दूसरों की खुशी के लिए अपने आप को कुर्बान कर देते हैं और फिर देखते हैं कि अपनी ही नज़रों में अपनी कीमत गंवा बैठे हैं। रिश्तों में बड़े आसक्त रहते हैं और फिर उनको बचाने के लिए 100 कोशिशें करते हैं और दुख का अनुभव करते हैं। क्या करें, कुछ करें नहीं, कर तो आप खूब ही रहे हैं, करते ही गए हैं, करने में क्या कमी छोड़ी है, कर करके तो ये हालत बना ली है। पहले देखें कि आप जिस रूप में समस्या का वर्णन कर रहे हैं, स्थिति वास्तव में वैसी है भी कि नहीं। आपने एक कहानी परोस दी है, क्या वो तथ्यों से मेल खाती है? क्या बात वास्तव में वही है जो आपने लिखी? आप कहते हैं कि दूसरों की खुशी के लिए अपने आप को कुर्बान कर देते हैं। कुर्बानी तो वास्तव में सिर्फ अहंकार की ही दी जा सकती है। और बौद्धिक व्यक्ति अच्छे से जानता है कि खुशी तो एक ही होती है, परम खुशी, आनंद। पर हम जब कहते हैं कि दूसरों की खुशी के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, तो क्या यह वास्तव में उनके आनंद के लिए है हमारी कुर्बानी, या उनके क्षणिक उन्माद के लिए, उनकी मुक्ति के लिए है, या उनके भयों की रक्षा के लिए? ये भ्रम, और इस भ्रम में निहित गर्व बहुतों को रहता है कि उन्होंने दूसरों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, दूसरों की खुशी को अपनी खुशी से ऊपर रखा। पर मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये सिर्फ अहंकार की दर्पूर्ण उक्ति है और कुछ नहीं। जिसे आप खुशी कह रहे हैं वो एक पारस्परिक लेन देन है। वो दुख का ही दूसरा चेहरा है। जिसे आप कुर्बानी कह रहे हैं वो सिर्फ व्यापार है। कुछ वास्तव में छोड़ा नहीं आपने, कुछ त्यागा नहीं। त्यागने योग्य तो मात्र अहंता होती है, कहाँ त्यागी? और जब तक अहंता नहीं त्यागी, तो अहंता के रहते जो कुछ भी छोड़ा जाता है उसके बदले में सदा कुछ वापस लिया जाता है। बात को समझ लीजिएगा, अहंता के रहते हो सकता है कि आपको लगे कि आपने कुछ छोड़ा, त्यागा, हो सकता है आपने वास्तव में कुछ छोड़ा भी हो, पर जो छोड़ा होगा उसके बदले कुछ वापस लिया होगा। और मन व्यापारी होता है, वो जो छोड़ता है उससे कुछ ज्यादा ही वापस लेना चाहता है। तो
इसीलिए जिन्होंने जाना है उन्होंने कहा है कि और कुछ छोड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि वहाँ अगर छोड़ भी रहे होगे तो जितना छोड़ा उससे अधिक ले रहे होगे। एक साहब थे, उन्होंने कहा कि मेरी टेबल पर बहुत ज़्यादा कागज़ पत्थर हो गए हैं, एक के ऊपर एक फाइलें हैं, तो अपने सहायक को बुलाया, बोले ये सब साफ होना चाहिए, ऐसा करो ये जितना कुछ है ये यहाँ से हटा दो और इसकी दो दो फोटोकॉपी यहाँ ला के रख दो। भाई ठीक है, ओरिजिनल हटा रहे हैं तो बैकअप तो रखना पड़ेगा ना। तो ऐसा होता है मन का छोड़ना कि ये हटा दो और इसकी दो दो प्रतियां ला करके यहां पर रख दो। बड़ा फायदा हुआ, एक के बदले दो मिले और साथ में मिला ये दर्प कि मैंने हटाया। पर हमारी शिक्षा कुछ ऐसी रही है कि हम त्याग, अपरिग्रह, कुर्बानी, इन शब्दों के वास्तविक अर्थ से बहुत दूर हो गए हैं। कुछ का कुछ बन गया है। फिर आप देखते हैं कि हम अपनी ही नजरों में अपनी कीमत गंवा बैठे हैं। होना ही है, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि आप बहुत कीमती हैं। आप इतने कीमती हैं कि आप अपनी कीमत लगा नहीं सकते, अमूल्य हैं आप। और जब भी कभी आप अपने आप को संसार की किसी भी वस्तु, विचार या व्यक्ति के लिए बेच देंगे तो अपनी ही नजरों में गिर जाएंगे। साक्षात ब्रह्म हैं आप, और आप बेच आए अपने आप को दुनिया के बाजार में। गिरेंगे ही ना अपनी नजर से, और क्या होगा। हीरे को जो कौड़ियों के दाम बेच दे वो अच्छा तो अनुभव नहीं करेगा, शांत तो नहीं रह पाएगा। वही स्थिति फिर आपकी है। आपका स्वभाव है अनंतता। कैसे आपने उस पर कुछ भी संख्या लगा दी, कैसे आपको लगा कि आप सीमित हैं। और आपको बेचा, बांटा या बांधा जा सकता है। जब ये कष्ट उठे कि हीरे को कौड़ियों के भाव बेच आया हूं, तो इस कष्ट को सत्य का संदेश समझिएगा। आपको याद दिलाया जा रहा है कि आपका रास्ता गलत है। और याद रखिए कि यदि कोई उम्मीद बाकी ना होती तो आपको याद भी ना दिलाया जाता,
गलत रास्ता बदला जा सकता है, क्षण भर में सब बदल सकता है, क्योंकि जो है वो मानसिक है, वास्तविक नहीं। विचार ही तो है, धारणा ही तो है, बदलने में समय क्या लगना। आपको बार बार जिस कष्ट की अनुभूति हो रही है वो इसीलिए हो रही है कि आप बदलें, और मैं कह रहा हूं बदलना तत्काल हो सकता है। कष्ट को एक तरीके का प्रेम संदेशा समझिएगा। कोई है जिसने आप में अभी आस्था नहीं छोड़ी है, वो आपसे कह रहा है इन रास्तों को छोड़ो ना, ये तुम्हें शोभा नहीं देते। ये तुम्हारे अनंत विस्तार के अनुरूप नहीं है। कहां तुम और कहां तुम्हारे तरीके। शेर को शेर की ही चाल चलना चाहिए। वो कीड़े की तरह रेंगेगा तो उसे कष्ट तो होगा ना। फिर आप कहते हैं कि संबंधों को बचाने के लिए बड़े प्रयत्न करते हैं, बड़ी आसक्ति होती है और फिर दुख की अनुभूति। यही तो खेल है ना दुनिया का। संबंध यदि वास्तविक हो तो उन्हें बचाने के लिए श्रम करना पड़ेगा क्या? संबंध यदि वास्तविक हो तो उन्हें बचाने के लिए पाखंड करना पड़ेगा क्या? पर आप देखिएगा गौर से कि आप और किसी को अपना असली चेहरा उजागर कर भी दें, पर जो आपके तथाकथित करीबी हैं उनको नहीं कर सकते। किसी से आपका मात्र व्यापार का औपचारिक रिश्ता हो, उसे आप बता भी देंगे कि मेरा अब तुम में कोई प्रयोजन नहीं रहा, इस साल हमें कोई लेन देन नहीं करना, तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते, आप उसे बता भी देंगे तथ्य। पर जो आपके करीबी हैं उनको आप कभी ना कह पाएंगे कि बात क्या है, वहां तो आप रट ही लगाए रहेंगे, हां मैं तुमसे प्यार करता हूं। उधर से आएगा आई लव यू, इधर से जाएगा आई लव यू। इससे ज्यादा ईमानदार तो आप अपरिचितों के साथ रहते हैं क्या? नहीं रहते। और आप इस बेईमानी को प्रेम का नाम देते हैं। फिर यदि आपका जीवन तनाव, विषाद और ऊब से भरा हुआ हो, आपकी आंखें बोझिल हो, तो जिम्मेदार कौन? कौन जिम्मेदार? लोग इंटरनेट पर जा करके अपनी करीबी समस्याओं के समाधान पूछते हैं। कोई माँ बाप के बारे में पूछ रहा है, कोई पति पत्नी के बारे में पूछ रहा है, और किससे पूछ रहा है इंटरनेट पर? अनजाने लोगों से। और वो उन अनजाने लोगों के जवाबों का ज्यादा भरोसा कर सकता है।
यहाँ ये सुष्मिता बैठी हैं, ये कोरा पर खूब जवाब देती हैं, पूछिए इनसे वहाँ कैसे कैसे सवाल रहते हैं। मैं तो वहाँ जब भी जाता हूँ तो जवाबों से ज्यादा सवालों से आकर्षित हो जाता हूं। ऐसे गजब सवाल, मुझे शक है मेरे पति मुझसे प्रेम नहीं करते। मैं किस रंग की साड़ी पहनूं? मेरी पत्नी मेरा खून चूसती है। और खून कहां से लाऊं? कोई बता रहा था कि कोई इंटरनेट पर जा करके पता कर रहा था कि जिस नौकरी में है वहां बड़ा परेशान है, तो पूछ रहा था कि इस नौकरी को छोड़ने के लिए क्या किया जाए। और वहां जो उसका एम्प्लॉयर था, बॉस, उसी ने आकर के पहले उसको जवाब दिया। और फिर निकाल दिया। मजेदार बात यह है कि उसने उस जवाब के लिए बड़े धन्यवाद दिए होंगे पहले अपने बॉस को। अनाम अपरिचित व्यक्ति से आ रहा है ना। उसकी कुछ विश्वसनीयता है। देखो तो, जो अपरिचित है वो फिर भी विश्वसनीय है। जो तुम्हारे बगल में है बिल्कुल, इंटीमेट, हार्दिक, उसका कोई विश्वास नहीं। तो कहां आ सकते हैं, किन रिश्तों की बात कर रहे हैं आप? बस इतना ही है कि आदत पड़ गई है और आपने अपनी परिभाषा इन रिश्तों के आधार पर कर ली है। तामसिक वृत्ति है कि ऐसे ही चलता आ रहा है, चलने दें, इसी का नाम आ सकती है, और कुछ भी नहीं है। और याद रखिए, रिश्ता बदलने का अर्थ व्यक्ति बदलना नहीं होता। बहुत संभव है कि आप व्यक्ति के बाद व्यक्ति बदलते जाएं, पर रिश्ता वैसा ही रहे, क्योंकि आप वैसे ही हैं। तो आप कितने भी व्यक्तियों को बदल लीजिए, रिश्ता वैसा ही रहेगा। लोग एक के बाद एक शादियां करते हैं, हर शादी का अंजाम वही, तभी तो एक के बाद एक होती हैं। लोग एक के बाद एक नौकरियां बदलते हैं, हर नौकरी का अंजाम वही, तभी तो इतनी बदलनी पड़ती हैं, क्योंकि हर नौकरी से आपका रिश्ता वही है। दूसरी ओर, व्यक्ति वही रहते हुए भी रिश्ता बदला जा सकता है। रिश्ता बदलिए, रिश्ता बदलने के लिए व्यक्ति नहीं, आपके मन को बदलना होगा। अपना मन बदलिए, रिश्ता बदल जाएगा। तो सर, उसमें क्या, जैसे हम बाहर वालों से या अनजान व्यक्तियों से शेयर कर लेते हैं, लेकिन जो हमारा साथी है या जो साथ वाला है, तो उसको शेयर करने में क्या, या हमारा उसको पर ट्रस्ट नहीं है, या हमें भय है कि वो इस बात से नाराज हो जाएगा या हमें छोड़ देगा, ये मतलब क्या रीज़न होते हैं कि हम जो अपने साथ वाले से नहीं उसको शेयर कर रहे हैं जबकि अदर से कर रहे हैं? छद्म संबंध है, झूठे प्रेम पर आधारित है,
अब कैसे कह दें कि बुनियाद ही हिल रही है, कैसे बता दें कि आधार ही नकली है। फिर सवाल तो बाद में पूछा जाएगा। सवाल पूछने का पूरा मौका ही खत्म हो जाएगा, माहौल ही खत्म हो जाएगा। भाई आप आमने सामने बैठते हो तो ये कह करके बैठते हो ना कि हम आमने सामने इसलिए बैठ रहे हैं कि हम में प्रेम है। और आमने सामने बैठ करके यदि प्रश्न ही यही उठा दिया कि हम में वास्तव में प्रेम है क्या, तो आमने सामने बैठना ही निरस्त हो जाएगा। इसलिए आप नहीं पूछ पाते कि बैठेंगे तो, पर अगर ये बात उठा दी तो उठ जाएंगे, बैठना ही बंद हो जाएगा। इसीलिए फिर जब वो नकली फोन कॉल आती है तो आप उसे काट नहीं पाते कि अगर काट दी तो कट जाएगी। कट जाने का बड़ा भय है क्योंकि कटा ही हुआ है। तो सॉल्यूशन क्या है सर, फिर उस रिलेशनशिप को वैसे ही चलने दें, मतलब उस अंधियारे में ही चलने दें कि नहीं? आप उस अंधकार को दिन रात पोषण दे रहे हैं, पोषण देना बंद करिए। कुछ नया नहीं करना है, बस जो पुराने धर्रे हैं उनको ऊर्जा देना बंद करिए। अंधेरा यूं ही कहीं से नहीं आ गया, आप उसे ढो ढो कर लाए हो। उसे ढो ढो कर लाना, आयातित करना बंद करो, रोशनी अपने आप आ जाएगी। और जब रोशनी आए तो उससे डरो मत। अंधेरे कमरे में एक प्रकार की सुविधा होती है, क्या? कुछ दिखाई नहीं देता है, पता ही नहीं चलता कि कितनी गंदगी, कितने कीड़े मकौड़े, क्या जानवर, क्या दरिंदा अंदर बैठा हुआ है। रोशनी जब आती है तो सहसा भय उठेगा, दिखाई देगा, अरे बाप रे बाप, इस कमरे में तो एक से एक पहुंचे हुए राक्षस हैं। पर डर क्यों रहे हो, उन्हीं राक्षसों के साथ तो जन्म भर रहे हो। पहले अंधेरे में थे, अब रोशनी में रह लो। रोशनी पर यकीन करो, रोशनी का समर्थन करो, रोशनी के साथ रहो, श्रद्धा रखो, और रोशनी जो भी दिखाए उसे शुभ मानो, नतमस्तक रहो। तुमने दिखाया है, मेरे भले के लिए ही होगा, अन्यथा तुम दिखाते नहीं।